Question number 17. Bag 1 contains 3 black and 2 white balls. Bag 2 contains 2 black and 4 white balls. A bag and a ball is selected at random. Determine the probability of selecting a black ball. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. आपके पास दो बैग हैं, इसको आप क्या कीजिए, एक फ्लोचार्ट की तरह बना लीजिए. ये आपका बैग वन, इसके अंदर 3 ब्लैक और 2 वाइट बॉल्स हैं. फिर आपका बैग टू, 2 ब्लैक और 4 वाइट बॉल्स हैं. अब इसमें पहला इवेंट क्या है, अ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम. तो बैग वन या बैग टू, इनमें से कोई सा एक बैग सिलेक्ट करना है आपको. तो आप मान लीजिए इवेंट E1, बैग वन और E2, तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है. P1 इज इक्वल्स टू 1/2, दो बैग हैं, कोई सा एक आपने सिलेक्ट करा, इज इक्वल्स टू PE2. अब ऐसा करने के बाद उन्होंने एक बॉल सिलेक्ट करी, तो प्रोबेबिलिटी आपको बताना है कि वो बॉल ब्लैक हो. तो इसको भी आप इवेंट मान लीजिए, ब्लैक बॉल सिलेक्टेड. अब अगर ये ब्लैक बॉल, इसको अगर आप बैग वन में से लेते हो, तो आपके पास 3 ब्लैक बॉल थी और टोटल बॉल्स 5 थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/5. तो PE/E1, क्योंकि E1 हो चुका है, इज इक्वल्स टू 3/5. या फिर आपने ब्लैक बॉल बैग टू में से ली, तो E/E2, तो ये 2/6, मतलब 1/3. अब ये आपके बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, आपके दो केसेस बन रहे हैं, इन दोनों केसेस में से कोई सा एक केस होगा. पर ये तो फिक्स है कि इन्होंने बैग सिलेक्ट करा है, उसके बाद उसमें से बॉल सिलेक्ट करी है जो कि ब्लैक कलर की है. तो PE1 के साथ ये वाला इवेंट हो जाएगा आपका PE/E1, और PE2 के साथ PE/E2. ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ई ये आपका हो जाएगा PE1/PE/E1 + PE2/PE/E2. तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 × 3/5 प्लस यही 1/2 × 1/3, तो 3/10 प्लस 1/6, तो 18 + 10/60, मतलब 28/60, तो 7/15. ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 18. अ बॉक्स हैज 5 ब्लू एंड 4 रेड बॉल्स. वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड नॉट रिप्लेस्ड. इट्स कलर इज ऑल्सो नॉट नोटेड. देन अनदर बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल बींग ब्लू. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं. इसमें भी वही चीज़ आपकी, 3 इवेंट्स बनेंगे. पहले आपका E1 और E2. अब E1 क्या होगा, मान लीजिए पहली बॉल जो इन्होंने ड्रॉ करी वो ब्लू कलर की है, तो फर्स्ट बॉल और E2, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड. अब यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि पहली बॉल जिसको ड्रॉ करा जा रहा है, चाहे वो ब्लू हो या रेड हो, उसको रिप्लेस नहीं किया गया है. मतलब टोटल आपके पास 9 बॉल्स थी, उसमें से आपके पास अब 8 बॉल्स बची है, E1 या फिर E2 होने के बाद. ठीक, अब इसके बाद वाला इवेंट क्या है कि इन्होंने एक बॉल और निकाली. अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो दूसरी बॉल निकाली वो ब्लू हो, तो मान लीजिए आप ई ब्लू बॉल सिलेक्टेड. चलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, PE1 टोटल 9 बॉल, पहली बॉल ब्लू, तो 5/9. या फिर PE2 4/9. ठीक, यहां पर आप गलती से भी 4/8 ना कर दीजिएगा, क्योंकि E1 और E2 इन दोनों में से कोई सा एक इवेंट होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे, क्योंकि पहली बॉल जो ड्रॉ करी है उसका कलर नोट नहीं किया था, यहां पर इन्होंने दे रखा है, तो या तो ब्लू हो सकती है या तो रेड. अब E1 E2 होने के बाद फिर आप आए ई पे, मतलब इस ई के लिए आपके पास टोटल आउटकम्स 8 हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE/E1. अब ब्लू बॉल, अगर आप ऑलरेडी एक ब्लू बॉल निकाल चुके हैं, तो आपके पास 4 ब्लू बॉल बची है और टोटल बॉल्स 8 बची है, तो 4/8, इतना आप समझ गए हैं. या फिर PE/E2, शुरुआत में आपने रेड बॉल निकाली, तो आपकी 5 ब्लू बॉल सही सलामत है, तो 5/8. ठीक, अब PE, ये क्या हो जाएगा आपका, वही चीज़ वापस से PE1 × PE/E1 + PE/E2, तो 5/9 × 4/8 + 4/9 × 5/8, 20/72 + 20/72, 5/9, ये इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 19. 4 कार्ड्स आर सक्सेसिवली ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. What is the probability that all the 4 cards are kings?
ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें आपके चार कार्ड्स ड्रॉ हो रहे हैं सक्सेसिवली, एक के बाद एक, पहले एक हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब इन्होंने बोला है कि चारों कार्ड्स में आपको किंग मिला हो, बादशाह मिला हो। आप जानते हैं आपके पास फोर किंग्स होते हैं, एक आपकी स्पेड का काले पान का, एक हार्ट लाल पान का, एक क्लब चिड़ी का और एक डायमंड ईट का। तो एक के बाद एक इन चारों बादशाहों को हम निकाल रहे हैं। तो इन चारों के लिए आप इवेंट्स क्या मान लीजिए, ए बी सी डी। तो ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्ड। अब इन चारों में से वो कोई सा भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी आपकी, 4/52। इतना आप समझ गए हैं। इसके बाद बी क्या हो जाएगा आपका, सेकंड कार्ड ड्रॉन इज ऑल्सो किंग। अब यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब 52 पत्तों में से आपने एक पत्ता निकाल लिया तो आपके 51 पत्ते बचे और उसमें से आपको अब तीन बादशाह लेना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि ए हो चुका है, तो 3/51। अब इसके बाद आपका इवेंट सी, अब आपके बी और ए हो चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी सी अपॉन ए एंड बी या बी एंड ए एक ही बात है, इज इक्वल्स टू 2/50। दो किंग चले गए, दो किंग बचे और एट लास्ट आपका डी, तो इसमें ए बी सी तीनों हो चुके हैं तो डी अपॉन ए एंड बी एंड सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/49। आपके पास एक बादशाह बचा है, तीन बादशाह जा चुके हैं तो 1/49। अब ये सब चीज़ें एक के बाद एक हुई तो ये सब क्या है, आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आपको पी ए एंड बी एंड सी एंड डी ये निकालना है, तो पी ए एंड बी एंड सी एंड डी, तो ये क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन ए एंड बी एंड सी, ये पहली चीज़, मल्टीप्लाइड बाय पी सी अपॉन ए एंड बी, मल्टीप्लाइड बाय पी बी बाय ए, मल्टीप्लाइड बाय पी ए, तो ये 4/52 मल्टीप्लाइड बाय 3/51, तो ये आपको मिल रहा है फाइनली 1/270725, ये इसका आंसर है। और इसको अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये सब आपको मैंने समझाने के लिए किया। आप डायरेक्टली ये लिखकर पी एंड बी एंड सी एंड डी करके ये फॉर्मूला इस तरह से लिखकर सारी वैल्यूज चढ़ाकर आंसर को डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। बस यहाँ आप ये लिख दीजिएगा कि सारे इवेंट्स जो हैं ये सब इंडिपेंडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, ये आपको टेबल दिया है, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट वी एक्स बाय टू और सेकंड वी एक्स या वेरियंस ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आपके बीच के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थे, तो उनको मैंने छोड़ दिया है, आपके जो कोर्स में है मैं अभी इसको कर रहा हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले हम सेकंड पार्ट करते हैं, वेरियंस ऑफ एक्स, ये आपका होता है वी ए आर एक्स या सिंपली वी एक्स। अब इसको निकालने के लिए करना पड़ेगा आपको ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स इस पूरे का स्क्वायर, जहाँ पर आपका ई एक्स क्या है, मीन। अब आप एक काम कीजिए, इस टेबल के पास में ही एक्स पी एक्स और एक्स स्क्वायर पी एक्स निकाल लीजिए, क्योंकि ई एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक्स स्क्वायर पी एक्स की जितनी वैल्यूज है उनको ऐड करना पड़ेगा और ई एक्स निकालने के लिए एक्स पी एक्स जितनी वैल्यूज है उनको ऐड करना पड़ेगा। तो एक्स पी एक्स ये आपकी एक और रो और एक एक्स स्क्वायर पी एक्स। ठीक, एग्जाम में पूरा टेबल बनाइएगा आप, अभी ये इन्फॉर्मेशन पास में ही थी तो मैं यही बना रहा हूँ, वहाँ आपको पूरा बना के आना है, चार कॉलम्स या चार रोज। चलिए तो एक्स पी एक्स क्या हो जाएगा आपका, 0 × 0.10, 1 × 0.25, 0.25, 2 × 0.3, 0.6, 3 × 0.2, 0.6 और 4 × 0.15, 0.6, सभी में 0.6 मिल रहा है आपको। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर पी एक्स, तो 0² = 0, नो डाउट, फिर 1² अब ये कितना हो जाएगा आपका, समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स, आप अगर चाहें तो उसे लिख लीजिए, या एक्स आई पी एक्स आई, या समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 5, दोनों तरीके सही हैं। फिर माइनस समेशन एक्स पी एक्स इस पूरे का स्क्वायर, अब समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स ये क्या हो जाएगा आपका, 0 + 0.25 + 1.2 + 1.8 + 2.4, फिर माइनस या 0 + 0.25 + 0.6, 0.6, 0.6, मतलब 1.8 इस पूरे का स्क्वायर, ऐसा आपको मिल रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा 5.65 माइनस 4.25
2025, ये आपको मिल रहा था 2.05, इसका स्क्वायर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब इन दोनों को आपने माइनस किया तो आपको ये मिल रहा है 1.4475, ये है आपका वी एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स, आपके सेकंड पार्ट का आंसर। अब मैं करता हूँ फर्स्ट पार्ट, कि फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है, वी एक्स की वैल्यू में थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। देखिए कैसे करनी है एडिटिंग, आपको दिया है वी एक्स बाय टू, ये आपका हो जाएगा 1/4 वी एक्स। देखिए ऐसा कैसे, आपने अभी क्या देखा, वी एक्स आपका जो वेरियंस है इसके अंदर आपको स्क्वायर मिलता है, इधर भी स्क्वायर मिल रहा था इधर भी स्क्वायर मिल रहा था, तो अगर आप x बाय टू इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको मिल जाएगा 1/4, और 1/4 आपका कांस्टेंट होता है तो उसको मैंने बाहर लिख दिया। इस तरीके से उसको आप याद रखिएगा, ठीक। तो ये कितना हो गया, 1.4475 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 0.361875, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बिलो, x इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 और पी एक्स इज इक्वल्स टू के, के बाय 2, के बाय 4, के बाय 8, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये आपका एकदम डू एस डायरेक्टेड जैसा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी है के की, आप जानते हैं समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1 होता है, यहाँ पर जितनी प्रोबेबिलिटीज आ रही है उन सबका सम 1 होता है, तो फर्स्ट आपका वैल्यू ऑफ के समेशन पी एक्स इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज के प्लस के बाय 2 प्लस के बाय 4 प्लस के बाय 8 इज इक्वल्स टू 1, तो ये आपको मिल जाएगा 8k, तो k इज इक्वल्स टू, ठीक। अब सेकंड पार्ट इसको ऊपर ही कर देता हूँ मैं, आपको k की वैल्यू मालूम पड़ गई है, ये बहुत इजी है। इसमें आपसे बोल रहे हैं p x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या है, p x इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, p x इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है, और p x इज इक्वल्स टू 2, 2 या 2 से कम। अब पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे क्या वैल्यू है आपकी, k, तो k प्लस के बाय 2 प्लस के बाय 4, अब k की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, तो 8/15 प्लस 1/2 इंटू 8/15 प्लस 1/4 इंटू 8/15, तो आपको मिल रहा है 8/15 प्लस 4/15 प्लस 2/15, मतलब 14/15, ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक। अब सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट मैं इधर कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट में टारगे, तो सब ये ध्यान रखिएगा, k है आपका 8/15, अब p x इज ग्रेटर देन 2, इस सबको क्या मिल जाएगा, p x इज इक्वल्स टू 3, सिर्फ ये वैल्यू पॉसिबल है, तो ये है आपका k बाय 8, मतलब 8/15 इंटू 8, मतलब 1/15। अब इन दोनों को प्लस करना है, ये आपका थर्ड पार्ट है, तो ये दोनों आपके आंसर्स हो गए। अब थर्ड पार्ट में आपको इन दोनों को प्लस करना है, पी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस पी एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो ये 14/15 प्लस 1/15, मतलब 15/15 इज इक्वल्स टू 1, ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, वेयर x इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0.2, 0.5, 0.3, ठीक है इसको हम देख लेते हैं। इसके से क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये बहुत ईजी है, आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले आप वेरियंस निकाल लीजिए, उसका अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो कॉलम या दो रो और बनानी पड़ेगी, मैं इसके नीचे बना देता हूँ, सॉल्यूशन मीटर की तरह लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्स पी एक्स और एक्स स्क्वायर पी एक्स, इन दोनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। चलिए तो एक्स पी एक्स कितना हो जाएगा आपका, 0.4, 1.5, 1.2, फिर एक्स स्क्वायर पी एक्स 0.8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 4.5, ये 4.8, 16 3 जा 9 5 जा। अब आपका वेरियंस क्या होगा, वेरियंस ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स इस पूरे का स्क्वायर, ऐसा होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स इस पूरे का स्क्वायर, अभी आपने इसके से क्वेश्चन किया था। चलिए तो ये कितना हो गया आपका इन सब का सम, तो 0.8 प्लस 4.5 प्लस 4.8,
minus 0.4 plus 1.5 plus 1.2 इस पूरे का स्क्वायर, तो ये आपको मिल रहा है 10.1 माइनस 3.1 का स्क्वायर, मतलब 9.61। अब 10.1 माइनस ये आपको मिल जाएगा 0.49, ये है आपका वेरिएंस। अब इसके बाद आपका एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन, ये अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब अंडर रूट ऑफ 0.49 इज इक्वल्स टू 0.7, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, अ बायस डाई इज सच दैट P4 इज इक्वल टू 1/10 एंड अदर स्कोर्स बींग इक्वली लाइकली द डाई इज टॉस ट्वाइस इफ एक्स इज द नंबर ऑफ फोर्स सीन फाइंड द वेरियंस ऑफ द रेंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है ये और अच्छा भी है, ट्रिकी है। देखिए इसमें इन्होंने आपको बोल रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, क्योंकि ये बायस्ड है तो उसकी वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी 1/10। अब यहाँ पर आपको क्योंकि डाई की बात करी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 आउटकम्स होंगे, आपको बाकी आउटकम से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ये देख रहा है कि 4 कहाँ पर आ रहा है और 4 कहाँ पर नहीं आ रहा है। तो अगर 4 आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 और 4 नहीं आ रहा है तो उसको आप कर लीजिए P4' इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/10, मतलब 9/10। ठीक, ऐसे 4' तो नहीं होता है, इसको आप चाहें तो नाम दे दीजिए PE और PE', या उसको ऐसा लिख दीजिए आप नॉट 4। अब इन्होंने बोला है आपसे x, कैपिटल x जो कि वैल्यू होती है आपकी, ये नंबर ऑफ फोर्स सीन, मतलब दो बार पासे को फेंकने में 4 कितनी बार आया। तो अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 लेता हूँ, मतलब 4 एक भी बार नहीं आया। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 लेता हूँ तो किसी दो पासे में से किसी एक में 4 आया, और x 2 लेता हूँ मतलब दोनों पासों में 4 आया। ये चीज़ आप समझ गए हैं? ठीक, अब इसी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक में भी 4 नहीं आया मतलब क्या हुआ, दो टॉस में PX इज इक्वल्स टू 0, ये आपका हो जाएगा 9/10 इंटू 9/10, दोनों बार 4 नहीं आ रहा है तो ये नॉट 4 की प्रोबेबिलिटी और ये भी नॉट 4 की, दो बार फेंका इसीलिए मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो यहाँ पर आपको मिल गया 9/10 81/100। ठीक, उसी तरह PX इज इक्वल्स टू 1, तो किसी एक पासे में 4 आया और दूसरे में नहीं आया, तो 1/10 इंटू 9/10, अगर पहले में 4 आया दूसरे में नहीं आया, या फिर पहले में 4 नहीं आया दूसरे में आया, तो 9/10 इंटू 1/10, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, इसीलिए और है तो मैंने प्लस किया, तो 9 + 9 = 18, तो 18/100। और उसके बाद PX इज इक्वल्स टू 2, मतलब दोनों में 4 आएगा, तो 1/10 इंटू 1/10, मतलब 1/100। ठीक, अब आपको वेरियंस निकालना है, तो आपस से वही चीज़ XPX, ये आपका हो जाएगा 0, ये 18/100 और ये 2/100। इसके बाद X²PX अगेन ये 0, यहाँ पर 2² मतलब 4 / 100, ऐसा आपको मिल रहा है। अब वेरिएंस आपका, वेरिएंस X इज इक्वल्स टू समेशन X²PX माइनस समेशन XPX इस पूरे का स्क्वायर, तो ये आपको मिल रहा है 0 प्लस 18/100 प्लस 4/100, और यहाँ पर माइनस 18/100 प्लस 2/100 इस पूरे का स्क्वायर, यहाँ पर भी 100 है तो उसको आप लिख लीजिए 4/100, बात एक ही है, 1/25 मतलब 4/100, तो 18/100 मतलब 0.18, ये इसका वेरिएंस है और ये इसका आंसर है।